हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस हार्डी प्लांट के बारे में, जिसे हम स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया कहते हैं। आप में से बहुत ही सारे लोग इस प्लांट के बारे में जानते होंगे या उनके घरों में होगा, इसलिए मैं आज आपको बताऊँगी कि इसकी केयर कैसे करनी है और इस प्लांट का क्या बेनिफिट्स है हमारी लाइफ में। जी हाँ फ्रेंड, ये ऐसा प्लांट है जिसका बेनिफिट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और बेल बटन को हिट कीजिए। चलिए फ्रेंड, जानते हैं आज इस प्लांट के बारे में। सबसे पहले इसकी वैरायटीज़ के बारे में, ये 7 to 8 टाइप्स का होता है। मेरे पास सिर्फ 3 टाइप्स का है, ये इस समय मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं। ये देखिए, ये लोटस वाला स्नेक प्लांट है, ये बिल्कुल लोटस जैसा दिखता है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसमें ऐसे छोटे छोटे से पप्स निकलते रहते हैं इस तरह से, तो ये पूरा गमला कवर कर लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और जो दूसरा है मेरे पास, ये देखिए, ये वेरीगेटेड वाला है, ये देखिए। इसमें इस तरह से साइड्स में येलो स्ट्रिप्स हैं और बीच में ये नॉर्मल जैसा होता है स्नेक प्लांट, वैसा है। और जो दूसरा वाला है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नॉर्मल वाला है। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये सिंपल है, इसमें ये वेरीगेटेड नहीं है और ये सिर्फ ग्रीन कलर का होता है। तो ये 3 वैरायटीज़ अवेलेबल है मेरे पास। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको मिट्टी पसंद है ऐसी जिसमें पानी रुके ना, मतलब इसकी मिट्टी सॉगी नहीं होनी चाहिए। इसको वेल टर्न सॉइल पसंद है। और फ्रेंड्स, जैसे आपको पानी देना है इसको, बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। जैसे आपको वाटर देना है इसको, तो गर्मियों में भी आप 2-3 दिन बाद ही इसको पानी दीजिए, और सर्दियों में तो 10 दिन बाद पानी दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये प्लांट ऐसा है जो आप अगर पानी देना भूल जाएंगे तब तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा पानी दे दिया, मतलब ये प्लांट ओवर वाटरिंग से मरता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी जड़ें गलने लगेंगी और ये प्लांट मर जाएगा। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो ओवर वाटरिंग से मरते हैं। तो पानी देने के लिए पहले आपको क्या चेक करना है, आपको ऐसे अपनी उंगली से मिट्टी को चेक करना है। अगर आपकी उंगली में देखिए मिट्टी चिपक गई है, तो मतलब इसे भी पानी की नीड नहीं है। आप और ये देखिए, ये इसे दूसरा वाला मेरा प्लांट है, इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल नहीं चिपकती है, ये देखिए। मतलब इस प्लांट को मैंने पानी नहीं दिया है और इसे पानी की नीड है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप इसको 15 to 20 डेज भी पानी देना भूल जाएंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तभी ये प्लांट सरवाइव कर देता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसको खाद की। खाद फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा खाद की नीड नहीं होती है। इसे सिर्फ इसे सिर्फ 6 महीने पे आप एक बार आप या तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए या गोबर की खाद दीजिए, जैसे नॉर्मल प्लांट को आप देते हैं। बाकी इस प्लांट को किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसा एयर प्योरीफायर प्लांट है कि जिसे आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, क्योंकि ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, ये उनमें से एक है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं इसकी लाइट कंडीशन की। ये फ्रेंड्स, आप सनलाइट में भी ग्रो करेगा। आप अगर आप इसको पार्शल लाइट में या फिर लो लाइट में रखते हैं तब भी ये ग्रो करेगा। इसे आप ऑलमोस्ट डार्क में भी रख देते हैं, इवन कि आप अपने वॉशरूम में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं कि ये जैसे हमारे घरों में बेंजीन होता है, बेंजीन जैसे केमिकल आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे घरों में बेंजीन कैसे आते हैं। फ्रेंड, जो अपन प्लास्टिक यूज़ करते हैं या फिर अपन जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और अगर हमारे घर में कोई स्मोक करता है तो वो जो टोबैको का धुआं होता है उससे भी बेंजीन आ जाता है घरों में। ये उस बेंजीन को अपने हमारे घरों से रिमूव करता है, तो हमें फ्रेश एयर मिलती है। तो फ्रेंड, जब हमारे पास नेचुरल एयर प्योरीफायर है तो हम क्यों आर्टिफिशियल एयर प्योरीफायर का यूज़ करें। तो आप सब, जैसे ये मीडियम साइज़ का प्लांट है मेरा, ऐसे आप अगर 100 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो 7 से 8 प्लांट आप रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप स्नेक प्लांट रखिए, आप कोई भी एयर प्योरीफायर प्लांट रख सकते हैं, तो आपको फ्रेश एयर मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।